नमस्कार आप देख रहे हैं है, दे पर है, तो है। दे है, एक और पांच दिसंबर को नतीजा आएगा चुनाव होने से पहले गुजरात में इस वक्त गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ कांग्रेस और तीसरी तरफ भाजपा अगर हम इतिहास में जाए तो सत्ताईस साल से गुजरात में भाजपा राज कर रही है यानी की बच्चा बच्चा सत्ताईस साल से गुजरात में एक ही सरकार को यहाँ देख रहा है लेकिन इस बार गुजरात में होगा क्या भाजपा ही आएगी या दूसरी आपने देखी भी देखा भी होगा एस पी न्यूज़ की टीम की तरफ से कुछ वीडियोस जो गुजरात की जनता कहती नजर आ रही है वो वीडियोस आपने देखी होंगी कि आखिरकार गुजरात की जनता क्या चाहती है अक्सर ये कहा जा रहा था कि गुजरात की जनता कह रही है कि हमें सिर्फ आम आदमी पार्टी चाहिए लेकिन कुछ जनता है जो ये कहती नजर आ रही है हमें तो भाजपा ही चाहिए चाहे मोरबी पुल टूट जाए चाहे अटल ब्रिज गिर जाए चाहे तूफान आ जाए चाहे सुनामी आ जाए लेकिन आएगी भाजपाई लेकिन कुछ और भी लोग हैं जो कहते हैं कि आएगी कांग्रेस ही क्योंकि कांग्रेस के राज में हम महंगाई से परेशान नहीं थे हम बेरोजगारी से परेशान नहीं थे लेकिन अगर आज गुजरात में सबको सबसे ज़्यादा जो नजर आता है वो है महंगाई एक रोज़मर्रा की जिंदगी की यूज़ करने की चीज़ें भी आज महंगाई के ऊपर पहुंच चुकी है खरीदना उनको मुश्किल हो रहा है तो देखिए यहाँ पर अब ये देखना है कि आखिरकार गुजरात की जनता की ये बातें कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है इस खबर को लेकर और इन बातों को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा लेकिन इतना जरूर बता दें यहाँ पर कि कहीं ना कहीं गुजरात की जनता इस बार बदलाव चाह रही है और देखिए बदलाव होगा नहीं ये देखना बेहद ही ज़्यादा जरूरी होगा फिलहाल के लिए इतना ही फिर मिलूंगे आपसे किसी दूसरे मुद्दे पर तब तक के लिए देखते रहिएगा एस पी नाइन न्यूज़ धन्यवाद